हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग आज एक नए चैप्टर को, जो कि इसी रिप्रोडक्शन यूनिट का ही है और इस रिप्रोडक्शन यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सारी चीजें या जितने भी इवेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं उन सारे इवेंट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस कैसे होगा, इनके ऊपर हार्मोनल कंट्रोल्स क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेसेस होते हैं यानी इम्प्लानेशन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं और किन किन हार्मोन से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। हम लोगों ने बात किया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कि एम्ब्रियो जो है वो कैसे डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो कैसे होता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एक फुल्ली फॉर्म बेबी जो है वो डिलीवर्ड कैसे होता है, उस समय में भी कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। लेकेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लेकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना है ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्टार्ट होती है, हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा। तो अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कोई भी कपल जो होता है वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहा होता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है। तो आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है या नहीं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उस रिप्रोडक्टिव लाइफ को हम हेल्दी कैसे बना के रख सके, हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है वो स्टेप्स लिए हैं ताकि जो आज का कपल है, जो यूथ है, उनके अंदर अवेयरनेस आए कि हाउ कैन दे स्पेंड देयर हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, कैसे वो अपनी हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो बिता सकता है, कैसे वो जी सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इस रिप्रोडक्टिविटी की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो है क्या चीज है, जनसंख्या विस्फोट जिसको हम लोग कहते हैं, या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, क्या हमारे पास ऐसे मेजर्स हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है बर्थ कंट्रोल। हम लोग बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसी डिजीजेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे जिनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, तो एसटीडीएस के नाम से हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं, तो एसटीडीएस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे और चीजों के बारे में, जैसे कुछ ऐसी भी डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो नहीं है बट दे चेक द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, रोक देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो अगर किसी भी मेल या फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आ रही है तो इनफर्टिलिटी के क्या क्या इलाज हो सकते हैं, क्या संभव जो है वो ट्रीटमेंट है, उन सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी अगर मान लें कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में इनफर्टिलिटी क्योरेबल नहीं है, यानी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे वो संतान प्राप्त कर सकता है, तो इसमें हम लोग आईवीएफ टेक्निक के बारे में जानेंगे, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आईवीएफ के अंदर आती है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है वो किसी भी कपल को एक संतान सुख मिल सकता है, तो उन सारी मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो वो इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं, या किसी ऐसे कपल को जो इनफर्टिलिटी का क्योर नहीं किया जा सकता है जिनका, तो उनको संतान जो है वो उत्पन्न कराई जा सकती है। तो इस
चैप्टर के अंदर इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या चीज, कैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करेंगे। WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया, कैसे इसका डिफिनेशन दिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे RCH के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। RCH क्या है, RCH किसे कहेंगे हम लोग, क्या चीज होता है? तो ये होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर या हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो RCH के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि RCH ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसके द्वारा लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में चीजें आई। क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है, खासतौर पे जो ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इन चीजों पे चर्चा करना जो है वो असभ्यता मानी जाती है, लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वो प्रॉपरली अनअवेयर होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में और वो उसको छिपा के रखते हैं और तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो जो WHO है या जो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, वो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रॉपर स्टेप्स उठाती है जिसकी वजह से रूरल एरियाज के लोगों में जो इलिटरेट हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके उन लोगों को अवेयर कराना कि ऐसे कोई चीज नहीं होती है जिन पे हम लोग खुल करके कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं और इन चीजों के बारे में लोगों को बताया जाना आवश्यक है। ये क्यूरेबल है, ये बीमारी है, ये किसी भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। इन सब चीजों से, इन सब माइक से उनको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो RCH जो था, जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई बाई सेमिनार्स, बाई सिंपोजियम, बाई ऑडियो विजुअल सिस्टम, बाई टॉकिंग टू ईच अदर। तो तमाम तरीके अपनाए गए, गाँव में चौपाल लगाई जाती थी जहाँ पे जो है वो हेल्थ ऑफिसर्स जो होते थे वो जा करके वहाँ पे लोगों से बातचीत करते थे और तमाम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं या जो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स हैं उन पे खुल के चर्चाएं करते थे। उन लोगों के अंदर अवेयरनेस करवाया गया कि बर्थ कंट्रोल किया जाना चाहिए, ज्यादा संतानें पैदा करने से कोई फायदा नहीं है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं कर करके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई। शिक्षा की तरफ लोगों को एजुकेट करने का प्रयत्न किया गया क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो किसी भी चीज को आसानी से समझ पाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेप टू स्टेप की गई। तो कौन कौन से स्टेप थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे RCH के अंदर। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट क्या है, किसे कहते हैं, हमारी जो जनसंख्या है वो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है और फिर हम कैसे इसको रोक सकते हैं, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ STDs के बारे में। STDs क्या चीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या चीज है और इनफर्टिलिटी को कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे IVF टेक्नोलॉजी के बारे में, IVF या जिसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इतने सारे पॉइंट्स पे जो है वो फोकस करना है और इनको एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स in all aspects of reproduction such as physical, mental and social, physical, mental and social। तो किसी भी एक व्यक्ति को या एक कपल्स को हम कह सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको एक कंप्लीट हेल्दी लाइफ के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। यानी उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में फंक्शनल होना चाहिए। यानी जितने भी प्रोसेसेस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होने चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर मेल है तो प्रॉपरली उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होनी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो सही होना चाहिए, जीएनआरएच का टाइम पे सिक्रेशंस होना चाहिए, और उसके अंदर जो उसके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, जो रीप टेस्टीज है, जो एपिडिडाइमस है, जो वॉस डिफरेंस है, ये सारी चीजें और जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो या बुल्बो यूरिथ्रल हो, कोई भी ग्लैंड्स है, जो भी है, वो सारे के सारे प्रॉपर फंक्शन में होने चाहिए, यानी फंक्शनल होने चाहिए। इसके साथ साथ उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए फॉर रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए वो मानसिक रूप से प्रिपेयर हो, तैयार हो। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज है तो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, दूसरी चीज मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और फिर सोशल यानी सामाजिक रूप से भी उसे स्वस्थ होना चाहिए, समाज में वो तिरस्कृत ना हो, यानी कोई भी ऐसी सोशल प्रॉब्लम ना हो, उसका जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो जी सकता है, और यही जो है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई भी व्यक्ति जो है वो फेस करता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब इसमें क्या चीजें हम लोगों को देखनी है कि प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की स्ट्रेटजी क्या है। तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी है। तो देखो, 21st सेंचुरी से पहले यानी 21वीं शताब्दी से पहले किसी भी रिप्रोडक्टिव मैटर पे बात करना बहुत ही शेमफुल माना जाता था और इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और जिसका परिणाम ये होता था कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इन्फेक्टेड करती हैं या जो रिप्रोडक्टिवली जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों के बारे में चर्चाएं नहीं हो पाती थी और उनका प्रॉपर सलूशन नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में बहुत से लोग इन प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड रहते थे, इन प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित होते थे और वो प्रॉपर जो है वो क्योरिंग के अभाव में, प्रॉपर उपचार के अभाव में वो
या तो एक अनहेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जीते थे या कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से वो मर जाते थे, लेकिन वो बात सामने नहीं आ पाती थी कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट काइंड्स ऑफ डिजीजेस अफेक्टेड द होल लाइफ ऑफ दिस पर्सन, ये क्लियर नहीं हो पाता था। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिनके बारे में, खास तौर पे महिलाओं के बारे में कहा जाए अगर, तो महिलाएं अपनी जो है वो इन बीमारियों को शेयर नहीं करती थी, और ना शेयर करने की वजह से प्रॉपर टाइम पे उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं मिल पाता था, और जिससे उन बीमारियों से वो क्या धीरे 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 वो तमाम भयानक बीमारियों की चपेट में आ जाती थी और एक दिन उनकी डेथ हो जाती थी। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो महिलाओं के अंदर एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसको हम लोग ल्यूकोरिया कहते हैं। तो ल्यूकोरिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, लेकिन इसके बारे में कोई भी महिलाएं अपने घर में या अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं बताती थी, वो उन चीजों को छिपा के रखती थी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ल्यूकोरिया अगर कंटिन्यू रह गई तो ओवेरियन सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता था, और ये सिस्ट धीरे धीरे कैंसरस हो जाती थी, और जब ये कैंसरस हो जाती थी तो उनको ओवेरियन कैंसर हो जाता था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन ल्यूकोरिया जो है वो एक क्योरेबल डिजीज है, एक क्यूरेबल डिजीज है जो किसी भी फीमेल की अंदर वीकनेस की वजह से उत्पन्न होती है, वीकनेस जो कमजोरी होती है इसकी वजह से ये होना शुरू हो जाता है, और कमजोरी की वजह से एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होती है और जिससे जो है वो ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज किया जाए तो ये पॉसिबल है कि ये क्योर हो जाए, ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। तो इस तरह से वो कैंसर से जो ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, इनसे बचाव हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम्स को शेयर ना करने की वजह से ये भयानक बीमारी के रूप में जो है वो फैल जाती थी और उस व्यक्ति को डेथ ही मिलती थी और कुछ नहीं मिल पाता। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी 21st सेंचुरी के पहले, क्या चीज कि कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं करने देता था, बताता नहीं था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, बहुत साल पहले जो है वो एक प्रोग्राम चलता था जिसमें मिडवाइफ जो थी वो गांव-गांव आती थी, तो मिडवाइफ जो होती थी वो ऐसी महिलाओं से कंसल्ट करती थी जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर उनकी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताती थी कि अभी आपको जो है वो संतान की आवश्यकता नहीं है और आप कुछ प्रिकॉशंस हैं, सर्टेन प्रिकॉशंस हैं आप ले सकते हैं उन प्रिकॉशंस को, और जिससे आपके दूसरी संतान में कुछ समय का कुछ इंटरवल मिल जाएगा। या फिर उनको बताती थी कि आपको जो है वो अभी और संतान की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चे दो हैं तीन हैं ये सही है, इनको आप पढ़ाइए लिखाइए खिलाइए पिलाइए, ये सारी चीजें उनको बताई जाती थी। लेकिन बहुत से ऐसी जगहों पे ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें उस गांव के जो पुरुष थे वो उन मिडवाइफ्स के सबसे बड़े शत्रु हो गए, उनको गांव में घुसने नहीं देते थे, उनको मार के भगा देते थे, वो उनसे नफरत करने लगे, उनसे घृणा करने लगे। तो अभी ये जो चीजें थी वो केवल अनअवेयरनेस के कारण थी, इलिटरेसी की वजह से थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज जो थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन प्रॉब्लम्स को जो है वो 17 इयर्स के एज के बाद से स्टार्ट हो जाती थी लोगों के अंदर, 17 साल की उम्र के बाद से ये प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि WHO ने जो सर्वे कराया तो इन प्रॉब्लम से ग्रसित व्यक्ति जो थे वो 17 के एज से ऊपर के ही लोग थे, और मैक्सिमम पर्संस जो थे वो इससे लिप्त पाए गए, इसमें जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स में दिखे। तो इसी चीज को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी देयर वेयर अबाउट 17 billion people in the age of 15 to 24 years will determining
डिटरमिनिंग द साइज हेल्थ साइज हेल्थ साइज हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सम ऑफ द क्रूशियल some of the crucial concerns are given as क्या चीज था कि जो 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में था तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 17 मिलियन पीपल्स जो थे वो 15 टू 24 इयर्स के एज ग्रुप में थे जो इस बात को डिसाइड करते कि फ्यूचर की पॉपुलेशन जो है वो कैसी होगी यानी फ्यूचर के पॉपुलेशन का साइज उनका हेल्थ उनकी प्रॉस्पर्टी को यही डिटरमिन करने वाले थे यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो 15 से 24 इयर्स के लोगों की थी अब इनके अंदर जो कंसर्न थे क्या कंसर्न थे इनके बारे में हम लोग जान लें सबसे पहली चीज कि जो केस ऑफ डेथ थी वुमेन्स की बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 19 इयर्स आर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है कि सबसे पहले जो 21st सेंचुरी से पहले का टाइम था उसमें क्या चीज था कि उसमें जो है वो बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी बिफोर द देयर मैच्योरिटी उनके प्रॉपरली मैच्योर होने से पहले यानी चाइल्ड मैरिज सिस्टम जो था उस समय अपने पूरे चरम पर था और ऐसी कंडीशन में जो हम लोग अब क्या करते हैं अब पढ़ते हैं हम लोग कि जो टीन एज है 13 to 19 तो दिस एज इज द एज ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फीमेल और मेल किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट जो होता है वो इसी टीन एज में होता है इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर मैरिजेबल एज रखा कि फीमेल्स के लिए बिफोर 18 और मेल्स के लिए बिफोर 21 मैरिज नहीं किया जाना चाहिए ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है और ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है इसको दंडात्मक एक्ट के अंतर्गत रखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बेटी का ब्याह 18 साल से कम उम्र में करता है या बेटे का ब्याह 21 साल से पहले करने की कोशिश करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है ये दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आता है इसका मतलब ये हुआ कि मैरिजेबल एज डिसाइड की गई लेकिन पहले जो था वो मैरिजेबल एज नहीं था और 15 ईयर्स 12 ईयर्स 14 ईयर्स 16 ईयर्स 17 में भी ऐसे में ही लोग लड़कियों का विवाह कर देते थे उनकी शादी कर देते थे उस टाइम में उनका जो ये पैल्विस रीजन होता है ये पैल्विस रीजन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं था और अगर उस सिचुएशन में वो प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करती हैं अगर उनको जो है वो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो ऐसे में क्या होता है कि उन महिलाओं के अंदर डेथ की संभावना बढ़ जाती है आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दोनों कंडीशंस में से कभी भी तो उस टाइम में जो मैटरनल डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी यानी मातृ मृत्यु दर जो थी वो बढ़ी हुई थी इसके साथ साथ उस समय में अधिकांश बच्चों की भी मृत्यु हो जाती थी उनके जन्म के समय या जन्म के कुछ बाद क्यों क्योंकि एक प्रॉपर हेल्दी माँ के अंदर ही एक प्रॉपर हेल्दी शिशु जो है वो डेवलप हो सकता है तो अगर माँ प्रॉपर डेवलप नहीं है प्रॉपर हेल्दी नहीं है उसका पैल्विस रीजन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ यूट्रस प्रॉपरली इनलार्ज नहीं हुआ है तो यूट्रस इज अनेबल टू होल्ड द वेट ऑफ द चाइल्ड एंड दिस सिचुएशन द बेबी विच adopted in the uterus of her mother
नॉट फुल्ली डेवलप्ड, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता था, अल्प विकसित या अविकसित संतानें जन्म ले लेती थी और वो संतानें अधिकांशतया संतानें ऐसी होती थी जो मर जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी जो थी वो उस समय बढ़ी हुई थी। तो सबसे पहली चीज जो क्रूशियल जो है वो कंसर्न्स है, वो क्रूशियल कंसर्न्स क्या चीज है, ये क्रूशियल कंसर्न क्या चीज है। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टेप नोट करेंगे वो ये कि द केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन, द केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन, वुमेन द केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की जो मृत्यु दर होती थी, तो मृत्यु दर महिलाओं की, मृत्यु दर में क्या चीज, क्या प्रॉब्लम आती थी महिलाओं के मृत्यु दर में, इन बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 24 इज ड्यू टू द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। क्या था कि जो वुमेन्स की जो डेथ रेट थी जो कि 15 से 24 एज के रेंज में थी, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो डेथ रेट थी वो ज्यादा थी। क्यों, किसकी वजह से इनकी डेथ रेट ज्यादा थी, क्योंकि ऐसे समय में महिलाओं का जो डेवलपमेंट प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं हुआ रहता था, और प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से इसी के कारण जो है वो इनकी डेथ हो जाती थी। दूसरी चीज कि जो एनरोलमेंट होता था सेकेंडरी स्कूल्स में वो बहुत लो था। इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन आर पुअरली एजुकेटेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि पहले के समय में लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे, बच्चियां जो थी वो अशिक्षित थी या अल्प शिक्षित थी, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो पाता था। तो जब प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो पाता था, इसका रीजन क्या था कि वो सेकेंडरी स्कूलों तक पहुंच नहीं पाती थी। अब अगली चीज क्या थी, इन्फेक्शन रेट, इन्फेक्शन रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन्फेक्शन रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इंक्लूडिंग एड्स। एड्स क्या चीज है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आर द हाइएस्ट अमंग द पीपल ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24। 15 से 24 वर्ष तक के लोगों के अंदर एसटीडीएस से इन्फेक्शंस जो थे वो सबसे ज्यादा थे, और इसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो एड्स जैसी फेटल डिजीज से जो है वो इन्फेक्टेड थे। अब यंग वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यंग वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। जितने भी कम उम्र की माएं थी और उनके बच्चे, ये दोनों जो है वो बहुत सारी गंभीर समस्याओं को झेलते थे, बहुत सारी समस्याओं से ये जो है वो रूबरू होते थे। दूसरी चीज कि जो इन्फेंट्स जो थे और उनकी माएं जो थी,
वो प्रीमेच्योर थी और प्रीमेच्योर होने के कारण बच्चों के जन्म के समय उनका वेट जो होता था वो बहुत कम होता था, यानी बच्चे जो थे वो स्वस्थ नहीं थे। तो इन्फेंट एंड मदर्स आर मोर लाइकली टू बी प्रीमेच्योर। इन्फेंट और उनकी माएं जो थी वो दोनों कैसी थी? प्रीमेच्योर थी एंड हैव लो बर्थ वेट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उस समय में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चीजें थी? सबसे पहली चीज तो थी कि महिलाओं की मृत्यु दर जो थी वो ज्यादा थी 15 से 24 एज ग्रुप में, और उनकी जो मृत्यु होती थी वो या तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के समय में। वुमेन्स जो थी वो पुअरली एजुकेटेड थी, तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण जो था वो इलिटरेसी थी या फिर पुअर एजुकेशन, यानी कंप्लीट एजुकेशन जो था वो नहीं था, बच्चियां जो है वो सेकेंडरी स्कूल तक एनरोल्ड नहीं हो पाती थी। इसके साथ साथ उनके अंदर एस्टीडियस के इंफेक्शंस जो थे वो बहुत ज्यादा थे। बहुत से ऐसे भी लोग थे मेल और फीमेल जिनके अंदर एचआईवी का जो पाया जाना था वो भी सर्वाधिक था, यानी वो एड्स से ज्यादा ग्रसित थे, और ये एज ग्रुप था 15 से 24 ईयर एज ग्रुप में अधिकांश लोग जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे एड्स है या इसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, तो ये सारी बीमारियां जो थी वो उनको हो गई होती थी। अब गोनोरिया और सिफिलिस तो मोस्ट कॉमन डिजीज है, एसटीडीएस है, और वो क्योरेबल भी है, आसानी से क्योर हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। गोनोरिया जो है वो गोनोरिकोकस बैक्टीरिया से होती है, तो इस सब का इलाज संभव है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इन टॉपिक्स पे किसी से डिस्कशन नहीं करते थे, वो उसको बताना नहीं चाहते थे, बताने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे, और इसलिए वो इन बीमारियों की चपेट में प्रॉपरली आ जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। यंग वुमेन जो थी, कम उम्र में जो बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, तो यंग वुमेन्स और उनके बच्चे जो थे वो दोनों सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। इन्फेंट मतलब जो शिशु होते हैं, जो जन्म के बाद के बच्चे होते हैं, तो ये इन्फेंट और उनकी मदर्स जो थे वो प्रीमेच्योर होते थे, अल्प विकसित होते थे, और ऐसे में उन बच्चे का जन्म के समय का जो वेट था वो काफी लो होता था। अब इतनी सारी तो प्रॉब्लम्स थी, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो अब बात ये हुई कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, वो कौन कौन से प्रॉपर वे हैं जिनके द्वारा जो है हम लोग इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो हम लोग अब देखेंगे क्या चीज कि इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया गया? इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया गया, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए गए जिनकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहली चीज जो थी क्या कि भारत वर्ष को लेकर के विश्व के सभी बड़े देशों में, साथ ही साथ किसमें, भारत वर्ष में भी क्या किया गया? सबसे पहली चीज जो की गई कि इन चीजों के ऊपर जो सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, इन पे चर्चा करने के लिए लोगों को उकसाया गया, उनके अंदर ये अवेयरनेस डाली गई कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, सो डोंट बी शेमफुल, इट बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टॉपिक पर भी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है, यही एक ऐसा सिस्टम है जिसको कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी संतानों को नहीं सिखाता है, जबकि ये आवश्यक है कि उनको इसके बारे में भी अवेयरनेस
कराया जाना चाहिए, उनको इसके बारे में भी नॉलेज दिया जाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रॉपर स्टेप उठाए कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को उनके सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जब सिलेबस में इंक्लूड हो जाएगा तो जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये टॉपिक जो है वो पढ़ाए जाएंगे, और जब उनको ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में उनको अवेयरनेस होगी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, तो अब सिलेबस में इंक्लूड हो गया और हर एक बच्चे को इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन टॉपिक्स पर खुल करके बोलना, और ये स्टेप जो है वो भारतवर्ष ने लिया। तो क्या लिया भारतवर्ष ने, कैसे लिया? इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। भारतवर्ष विश्व में एक ऐसा देश था that has initiated programs and action plan, programs and action plan, जिसने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम और एक्शन प्लान रखा है, किसपे? at the national level, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, क्या? to attain total reproductive health। भारतवर्ष विश्व के सभी देशों में एक ऐसा देश जिसने सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, एक्शन प्लान्स बनाया, ताकि क्या करें, लोग ज्यादा से ज्यादा टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सके। दूसरी चीज क्या किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स have been initiated in 1951, and they were also periodically assessed in the past decades. और अगला क्या स्टेप लिया गया, इंप्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproduction related area and या area are currently in operation under the popular name reproductive and child health care, जिसको क्या कहते हैं, RCH, Child Health Care Program। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया,
कब चलाया गया 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया और इसको पीरियोडिकली असेस्ड किया गया यानी इंप्रूव किया गया। पिछले कुछ दशकों तक इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स रखे गए ताकि वो वाइडली रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को कवर कर सके। और इस ऑपरेशन का एक नाम रखा गया, एक पॉपुलर नेम आया सामने जिसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या RCH प्रोग्राम। तो अब हम लोगों को जानना है कि RCH प्रोग्राम के मेन एस्पेक्ट्स क्या थे, जो RCH प्रोग्राम था उनका काम क्या था। तो RCH प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को जानना है, तो अभी इतनी चीजें आप लोग प्रिपेयर करिए, फिर हम लोग RCH प्रोग्राम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि RCH प्रोग्राम के क्या जो है वो मेन एस्पेक्ट्स थे, किन बिंदुओं के तहत जो है वो RCH प्रोग्राम को इम्प्लांट किया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करवाया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें आई, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बारे में और हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोका जा सके, उन सारे मेजर्स के बारे में। तो तब तक इन चीजों को आप लोग प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।